हेलो स्टूडेंट। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो होने जा रहे हैं। इसके लिए कल आपका इंग्लिश का यूनिट टेस्ट है, तो इसके लिए बेटे मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि आपका पेपर इस टाइप से आएगा, तो आपने इसी हिसाब से अटैम्प्ट करना है, ठीक है बेटे? तो जो भी मैटर मैं करवा रही हूँ इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि पहले वर्ड मीनिंग आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसी टाइप से आएंगे, ठीक है बेटे? तो ये नहीं है कि आप सिर्फ यही लर्न करो, इसके अलावा कोई भी आ सकता है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक मैटर बता रही हूँ कि इस टाइप से पेपर में आएगा, एक तरीका है पेपर का। तो देखो, फर्स्ट क्या आपका रहेगा, राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। वर्ड मीनिंग आएंगे, देखो जैसे मैंने राइट किया ऐसे आपने अपनी उसमें आंसर शीट में राइट करने। देखो, फेयर, फेयर क्या होता है? अच्छा। नैप, नैप क्या होता है बेटे? झपकी लेना। कैंडीज, कैंडीज क्या होती है? टॉफियां, टॉफियां खाते हो ना आप। लल्लबीज, लल्लबीज क्या होती है? लोरी। वेक, वेक क्या होता है? जागना। राइपन, राइपन क्या होते हैं? पके हुए। नॉइस, नॉइस क्या होता है बेटे? शोर करना। स्पेंट, स्पेंट क्या है? बिताया, जो जैसे हम वक्त बिता देते हैं उसको क्या कहते हैं? स्पेंट। हुए। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज, ठीक है बेटे? तो नेक्स्ट क्या, इसके बाद क्या रहेंगे आपके वर्ड मीनिंग के बाद? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके। तो देखो, हु वर टॉम एंड लूसी, टॉम और लूसी कौन थे? देवर ब्रदर एंड सिस्टर, वो दोनों कौन थे? बहन और भाई थे। वट डू वी ग्रो इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड के अंदर हम वट डू वी ग्रो, हम क्या उगाते हैं? वी ग्रो फ्रूट ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड के अंदर हम, ऑर्चर्ड कहते बेटे बगीचा, उसके अंदर हम फलों के क्या आते हैं? पेड़ उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वट पार्ट ऑफ ए फ्रूट डू वी ईट, हम पार्ट कौन सा पार्ट फ्रूट का खाते हैं? वी ईट सीड केस ऑफ ए फ्रूट, हम फ्रूट का क्या खाते हैं? सीड केस खाते हैं, यानी कि फ्रूट के अंदर जो बीज होता है ना उसके ऊपर जो कवर लगा होता है वो हम खाते हैं, ठीक है बेटे? नेक्स्ट क्या है, वैन डू वी पिक फ्रूट्स टू ईट, हमें कब फ्रूट कब तोड़ने चाहिए, पिक करने चाहिए? वी पिक फ्रूट्स, हम फ्रूट्स को तब पिक करना चाहिए टू ईट वैन दे आर रिपन, खाने के लिए हमें तब उनको पिक करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, वैन दे आर रिपन, जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हु इज़ अ मिडल किड, मिडल किड कौन था? रोहित इज द मिडल किड, जो रोहित था वो था एक मिडल किड, जो हमने लेसन पढ़ा ना बेटे इट्स नॉट फेयर, उसमें ये क्वेश्चन है, रोहित इज द मिडल किड। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाट टाइम डिड टॉम एंड लूसी रिटर्न होम, टॉम और लूसी घर पे वापस कब आते हैं? दे रिटर्न अबाउट 12 AM, वो रात के 12 बजे आते हैं ना घर पे। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, आप ब्लैंक्स को फिल करोगे। देखो, एज हॉट एज फायर, गर्म हो तो किसके जैसा? एज हॉट एज फायर, ये आपके बुक वर्क में रहेगा बेटे, एज हॉट एज फायर। एज रेड एज ब्लड, ब्लड की तरह लाल होना चाहिए। एज सॉफ्ट एज सिल्क, सॉफ्ट हो तो किसके जैसा? सिल्क के जैसा। एज ब्लैक एज कोल, कोल के जैसा क्या होना चाहिए? ब्लैक होना चाहिए। एज बिजी एज ए बी, बी की तरह बिजी रहना चाहिए, क्योंकि जो बी होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं ना बेटे, वो हर बी होती हैं मक्खियाँ, वो हर समय क्या होती हैं? बिजी रहती हैं। नेक्स्ट क्या है, पुट आई टू मेक फुल वर्ड्स, आई को पुट करके आपको फुल वर्ड्स बनाने हैं। देखो, जैसे इसी टाइप से एग्ज़ाम में जो है वर्ड्स दिए होंगे उनको आपने आई पुट करके क्या करना है? कंप्लीट वर्ड बनाना, जैसे आर पी ई, तो इसके अंदर आई पुट करेंगे आर आई पी ई, राइप। यू एन टी एल, यू एन टी आई एल, अनटिल। नेक्स्ट है आर सी ई, आर आई सी ई, राइस। आर ई एल एस एच, आर ई एल आई एस एच, रेलिश। नेक्स्ट क्या है, डी ई टी डेट, डाइट, डी आई ई टी, डाइट। एस पी आर एन जी, सप्रिंग, एस पी आर आई एन जी, सप्रिंग बन जाएगा बेटे। नेक्स्ट है सी ई आर टी एन, सर्ट, सी ई आर टी ए आई एन, प्रोटीन, पी आर ओ टी ई एन, पी आर ओ टी ई आई एन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटे, आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा, आपके एग्जाम में भी एक ही पेपर आएगा आपका ग्रामर और रीडर का। तो देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन दी, ए या एन या फिर डी लगा के आपने इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। डैश ओड एंड डैश इवन नंबर, एन ओड एंड एन इवन नंबर। तो देखो, ओड में ओ की साउंड आ रही है ना बेटे, आर्टिकल में देखो क्या है, जहाँ पे हमें वोवल्स की साउंड आती है वहाँ पे हम ए एन यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। तो वोवल्स तो आपको पता ही है कौन कौन से हैं, ए ई आई और यू, ए ई आई ओ और यू, और बाकी सारे क्या हो गए, 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो देखो, एन ओड, ओ की साउंड आ रही है एन आएगा, एंड एन इवन, ई की साउंड आ रही है तो एन आएगा। ए गिटार एंड ए वायलिन, गिटार में ग की साउंड आ रही है ए आएगा, वायलिन में भी व की साउंड आ रही है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट। वी सॉल्व ए डिफ़िकल्ट सम, तो ड क्या है,
एक डी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। बिल गेट इज़ एन अमेरिकन, तो जो बिल गेट है अमेरिकन है, तो ए की साउंड आ रही है तो एन आएगा। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम आर, इज़ फिल करोगे या एम या फिर आर। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। वी आर हैप्पी, देखो आई क्या है सिंगुलर है, यहाँ पे आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। वी देखो वी क्या है बेटे प्लूरल है, वी का मतलब कहता है हम, एक से ज़्यादा जने तभी हम कहते हैं ना हम। वी आर हैप्पी तो आ रहेगा। शी इज़ ए पायलट, शी क्या है सिंगल है ना, गर्ल है सिंगल है, शी इज़ अ पायलट वह पायलट है। ही इज़ ए मैसोन, ही भी क्या है सिंगुलर है, एक ही पर्सन है इसलिए हम इज़ का यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ ए मैसोन, वो मिस्त्री है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्री पोजिशन, प्री पोजिशन का यूज़ करेंगे। देखो मदर इज़ सिटिंग इन द कार, मदर कहाँ पे बैठी है, इन द कार, कार के अंदर बैठी है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है, तो क्या आएगा बुक्स आर ऑन द टेबल। टू कम्स आफ्टर वन, दो कब आता है आफ्टर वन, वन के बाद आता है, टू कम्स आफ्टर वन। ही इज़ द टॉपर ऑफ हिज क्लास, वो अपनी क्लास का टॉपर है, अपनी पूरी क्लास में से क्या है टॉपर है, टॉपर ऑफ। प्लीज़ गेट सम वाटर फॉर मी, वाटर फॉर मी आएगा बेटे, प्लीज़ गेट सम वाटर फॉर मी। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग कंजक्शन, आप कंजक्शन का यूज़ करके क्या है ये ब्लैंक्स फिल करोगे। कंजक्शन आपको पता ही है बेटे क्या होता है, जो हम वर्ड्स को ज्वाइन, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कहते हैं कंजक्शन, मतलब जोड़ना। देखो क्या है, वी हैड इडली एंड सांभर, वी हैड इडली, या फिर ऐसे सेंटेंस बोलते वी हैड इडली, फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोलते वी हैड सांभर फॉर ब्रेकफास्ट, ये सही नहीं रहता ना, हम ज्वाइन करें वी हैड इडली एंड सांभर फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्या, डू यू वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल, या तो ऐसे बोलते डू यू वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल, और फिर नेक्स्ट दोबारा फिर बोलते डू यू वॉन्ट ए शार्पनर, तो हम क्या बोलते हैं डू यू वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल और ए शार्पनर, तो और क्या हुआ इसमें कंजक्शन। नेक्स्ट क्या, विल यू गो टू द मार्केट टुडे और टुमोरो, या तो हम ऐसे कहते हैं विल यू गो टू द मार्केट टुडे, विल यू गो टू द मार्केट टुमोरो, तो हमने और वर्ड यूज़ किया बीच में, और क्या है कंजक्शन, विल यू गो टू द मार्केट टुडे और टुमोरो। ओके बेटे, नेक्स्ट क्या है, वी वेंट टू द शॉप बट इट वॉज क्लोज्ड, तो देखो क्या है, वी वेंट टू द शॉप, हम शॉप पर गए बट परंतु इट वॉज क्लोज्ड, ये बंद थी। कीप क्वाइट और गो आउट, और क्या है बेटे यहाँ पे कंजक्शन है, कीप क्वाइट या फिर कीप क्वाइट चुप हो जाओ, और गो आउट या फिर बाहर चले जाओ। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, देखो ये बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो मैंने आपको जो टेंसेस करवाए हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसी के हिसाब से ये होगा। तो देखो क्या है, मैं एक गाना गा रहा हूँ, तो इसमें क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है ना, जहाँ पे रा है रहे है आता है, तो देखो कह रही आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंग क्या है एक वर्ब की फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी का मतलब है, मतलब वो काम रेगुलर हो रहा है, मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट क्या बेटे, माता जी अखबार पढ़ते हैं, मदर रीड्स न्यूज़पेपर, देखो इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो रहा है क्योंकि ये डेली है, माता जी अखबार पढ़ते हैं, ये डेली की बात है ना, वो ऐसा डेली करते हैं, मदर रीड्स न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्या है, राम नाच रहा है, राम इज डांसिंग, ये भी कॉन्टिन्यू वर्क हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा राम इज डांसिंग, राम सिंगुलर है, इसके साथ इज यूज़ हो रहा है और डांसिंग। ठीक है, लड़कियाँ गाना गा रही हैं, गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग, लड़कियाँ क्या कर रही हैं प्लूरल है गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, ये बेटे यहाँ मिस्टेक होगी, गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग आएगा, क्या आएगा बेटे गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, गर्ल्स के साथ आर वर्ड आना है, गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, पिताजी खाना पकाते हैं, फादर कुक्स फूड, फादर क्या सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस, फादर कुक्स फूड। ठीक है बेटे, तो ये आपका पेपर इसी टाइप से आएगा, ये अच्छे से आपने तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑफ स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस।